यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाय आप सभी लोग अच्छे हैं, तो हम दर्ज कर लेते हैं जी टी। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा, तो गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि भाई यहाँ पर मैंने और लेसर ने और साथ में एक एलेक्स नाम का बंदा था, उसने मिलके ह्यूमन लैब के अंदर चोरी करी थी, वो भी एक हार्ड डिस्क की। और गाइस वो जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर जितना भी डाटा था गवर्नमेंट का, हमको पता चल गया था गाइस उस डाटा के बारे में। और भाई उसके बाद आप लोग जरा यहाँ पर नज़र मारो, ये लेसर का नया वाला घर है। और लेसर ने भाई पैसा यार ज़मीन पे फेंक दिया यार, मेरे को अपनी आँखों पे भरोसे नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मैं लेसर से ये बोला है कि इन पैसे को भाई उठा के साइड में रख दे या बैंक में जमा करा दे, लेकिन ये भाई पगला चुका है बिल्कुल, इसका दिमाग बिल्कुल पता नहीं कहाँ जा चुका है। ये देखो मतलब हर जगह पर इतना पैसा है। गाइस सीन ये है कि हमने जो है ना गवर्नमेंट की फैसिलिटी के अंदर अटैक करा था भाई, मैंने काफ़ी सारे मिलिट्री वाले बंदों को मारा था। और गाइस वहाँ पर इतना सारा पैसा था, मतलब हमने $2 बिलियन की रोबरी करी थी, जिसमें कि भाई मेरे पास $700 मिलियन आया था, लेसर के पास $800 मिलियन और बाकी वो एलेक्स नाम का बंदा उसके पास $1 बिलियन और जो बचा कुचा था वो छोटे मोटे हैकर्स में बट गया। यार मैं क्या बताऊँ यार, लेसर भाई खुद संभाल लियो जो भी कुछ होगा, मेरे को मत बोलियो बाद में अगर पुलिस आके यहाँ पर कुछ करती है तो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से निकलता हूँ अपने शोरूम में, क्योंकि भाई अब जो है ना मेरे को अपने शोरूम का काम संभालना है। और बैनी भी भाई मेरे को कॉल करके बुला रहा था, चलो लेसर की गाड़ी लेते हैं। लेसर भाई इतना अमीर हो चुका है, इसने झटके से घर खरीद लिया और साथ में ये सियान जैसी दिखने वाली गाड़ी भी। बाकी आराम से इस गाड़ी को लेकर के चलते हैं। यार मेरे पास भी काफ़ी सारे पैसा है, इतनी दिक्कत देने वाली बात नहीं है। और हाँ अब तो भाई साहब मैं इतने शोरूम ओपन कर सकता हूँ ना, लॉस सैंटोस में अपना ही दबदबा चलने वाला है, एक से एक गाड़ी को इम्पोर्ट कराएंगे और पूरे लॉस सैंटोस की जो जनता है ना वो हमारे शोरूम से ही गाड़ियाँ खरीदने वाली है, मेरे को 100% पता है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि बाइकों का अलग शोरूम, गाड़ियों का अलग शोरूम और छोटे मोटे जो होटल्स हैं वो भी भाई मैं ओपन करवा देता हूँ, क्योंकि भाई जितने ज़्यादा हमारे बिजनेस होंगे उतने ही ज़्यादा गाइस हमको यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो फिलहाल के लिए अपनी गाड़ी को लेकर के चलते हैं सीधा अपने शोरूम में। और गाइस आज की वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 4500 लाइक का। चलो भाई लोग गाड़ी को लेकर के मैं आ चुका हूँ सीधा अभी अपने शोरूम में। और भाई अपने शोरूम में आए हुए मुझे लग रहा है 1 महीना तो हो ही गया होगा, पता नहीं कब से नहीं आया यार मैं। और गाड़ियाँ वाड़ियाँ बिच रही हैं या क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं है। बाकी गाड़ी को फिलहाल के लिए यहीं पर ही पार्क कर देते हैं। एक तो भाई आधे से ज़्यादा जो लोग हैं ना वो अपने शोरूम को पता नहीं क्या समझते हैं, यहाँ पर पार्किंग एरिया बना रखा है भाई, खड़े करके चला जाते हैं अपनी गाड़ी को। चलो छोड़ो भाई, फिलहाल के लिए सबसे पहले अंदर की तरफ निकलते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही एरिया है यार अपने शोरूम के लिए। और वेट, ये कौन है भाई सामने की तरफ, यार ये आटे की बोरी मेरे से पिटेगा यार, ये जिमी नमूना है यार मेरे शोरूम में, मतलब है तो अपना लड़का ही लेकिन। और गाइस ये जो लड़की है ना ये भाई उस पुलिस ऑफिसर की बहन है, यार ये क्या सीन चल रहा है अपने शोरूम में आकर के। भाई ये तो ये सोच रहा है कि गाड़ी कोई सी भी उठा कर लेकर के चले जाएं। अब भाई ये ऑरेंज वाली गाड़ी भाई सब तुझे पता भी है जिमी काफ़ी ज़्यादा महंगी है, इसको तो मैं अभी जो है ना खटिया खड़ी करने वाला हूँ, इसका जो ना पिछवाड़ा तोड़ना पड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा उड़ रहा है आजकल। चलो पहले गाइस बैनी से बात कर लेते हैं। और ये देखो भाई अभी कितना छोटा सा गाड़ी का मॉडल रखा हुआ है, अभी रखा है यहाँ पर ये डेकोरेशन के लिए। अबे यार भाई साहब एक शर्ट पहन के आ जाता, हाँ मुझे पता है अपने शोरूम में गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब ऐसे उठ के आ रहे हैं लोग। और ये बंदा कौन है भाई, इससे भी बातचीत करेंगे, सबसे पहले बैनी से कर लेते हैं। बैनी क्या बात होगी, मेरे को इतनी जल्दी में क्यों बुलाया यार तूने, और गाड़ियाँ बस अपने शोरूम में 4 ही हैं क्या, चलो भाई इंपोर्ट करा लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर मेरी बैनी से बात हो चुकी है और बैनी ये बोल रहा है कि बाहर की तरफ एक नया बंदा आया है अपने शोरूम में, और वो बंदा ये बोल रहा है कि उसको एक टाइप की गाड़ी चाहिए, उसने फोटो दिखाई है, यही वो बंदा है। और बैनी ये बोल रहा है कि हमारे शोरूम में ऐसी कभी भी गाड़ी आई नहीं है। तो अबे नमूने गाड़ी है ही नहीं तो यहाँ पर क्या करने के लिए आया, निकल यहाँ से। तो भाई ये जो चपड़गंज जो है ये मेरे से बोल रहा है कि अगर तू वो वाली गाड़ी मेरे पास लेके आ जाता है तो मैं तेरे को मुँह मांगी कीमत दूँगा। अच्छा बेटा ऐसी कौन सी गाड़ी है भाई वो, इसने मेरे को गाइस फोटो तो दिखाई थी। और हाँ भाई वो जो गाड़ी है ना वो गाइस कहीं भी लॉस सैंटोस में नहीं है, बेनी ये बता रहा है। हाँ एक बंदे के पास है जिसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा मेंशन है और वो लॉस सैंटोस से थोड़ा दूर रहता है, बेनी क्या करना है ये बता। चलो भाई बेनी से बात कर लेते हैं, वो बंदा भाई मुँह मांगी कीमत दे रहा है भाई, हमको फ़ायदा उठा सकते हैं भाई हम लोग।
तो भाई बैनी ये बोला कि जिस गाड़ी के बारे में ये बंदा ये चपड़गंजू बात कर रहा है ना, वो कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है और वो सिर्फ एक बंदे के पास है। और भाई मैं अभी फ़िलहाल के लिए उसी के पास जा रहा हूँ, क्या पता वो अपनी गाड़ी को सेल कर देगा तो हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। मैं इस बंदे से काफ़ी सारा पैसा हथिया सकता हूँ यार, मैं इतना अमीर बन चुका हूँ ना, 700 मिलियन डॉलर भाई मैंने अभी चोरी करे हैं। और भाई फिर से भाई मेरे दिमाग में लालच आ रहा है, क्यों भाई, चलो छोड़ो, जितना पैसा आएगा उतना ही अच्छा है यार। चलो एक सेकेंड, ये जिमी से पहले बात करता हूँ। जिमी यहाँ पर क्या करने के लिए आया? बेटा तेरे कॉलेज ही नहीं चल रहे क्या यार? मैं इसको लास्ट टाइम कॉलेज में छोड़ने के लिए आया था और ये मेरे सामने सुट्टा मार रहा है, बेटा पिटना चाह रहा है क्या? तो भाई साहब मैं जिमी से बात कर रहा हूँ और ये लड़की बीच में आ रही है, ये बोले कि हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, बस गाड़ियों को देख रहे हैं। अबे वो तो मेरे को भी पता है, और ये भाई साहब बॉडीगार्ड बन रही है इसकी। चलो छोड़ो भाई, जिमी तू घर आ, तेरे को तो घर आकर हड्डियाँ तोड़नी पड़ेंगी यार इसकी। बाकी अभी मैं उसी बंदे के पास निकलता हूँ, उसी माफिया के पास। कौन ही है वो जिसके पास वो गाड़ी है? हम एक बार अगर उस गाड़ी को लेकर आ गए, हमारे शोरूम में और ज़्यादा लोग आएंगे, जिससे कि वह हमारी जो बिक्री है और ज़्यादा बढ़ सकती है। और फिर तो भाई साहब पैसा ही पैसा होने वाला है। और मैं सोच रहा हूँ ये तो लॉस सैंटोस के कोने पर है भाई हमारा एक शोरूम, एक लॉस सैंटोस के बीच में भी खोलते हैं एक फरारी का डीलरशिप। आप लोग बताओ यार, एक रॉल्स का मतलब सेपरेट गाड़ियों खोलते हैं एक दो, जो बड़ी बड़ी ब्रांड है ना उनका, ताकि गाइस यहाँ पर फरारी की ही 7 से 8 गाड़ियाँ ला करके बेचेंगे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होने वाला है। ओके भाई लोग, गाड़ी को लेकर के मैं आ चुका हूँ सीधा भी उसी बंदे के पास। बाकी ये जगह देखो यार, यार इस बंदे ने कहाँ अपना मेंशन बना रखा है, पानी के ऊपर है यार और बिल्कुल कोने के साइड। इस बंदे को किस बात का डर है यार, लॉस सैंटोस में आराम से अपना बड़ा सा घर बना करके रहता। चलो फिलहाल के लिए इस बंदे से बात कर लेते हैं, ये तो इसकी सिक्योरिटी लग रही है। और वो रहा वो टकला, यही है मुझे लग रहा है वही बंदा जिससे भाई मेरे को बात करनी है। और इसकी गाड़ियों का कलेक्शन तो देखो यार, एक से एक विंटेज गाड़ी है भाई इसके पास तो। और ये क्लासिक गाड़ी जेम्स बॉन्ड वाली लग रही है भाई मेरे को, कुछ उसी तरह की। यार ये रही जेम्स बॉन्ड वाली गाड़ी, यही है क्या? मेरे को यही कुछ इसी टाइप की है यार। क्लासिक गाड़ियाँ इतनी सारी रख रखी है ना इस बंदे ने भाई, बेशक ये दिखने में थोड़ी ऐसी लग रही होंगी लेकिन गाइस इनकी जो कीमत है ना वो एक सुपर कार से भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। चलो देखो वो रही भाई वो रॉल्स रॉय, और साथ में एक विंटेज कार जिसकी कीमत करोड़ों में इस टाइम। ये बंदा मेरे को गाइस काफ़ी ज़्यादा अमीर लग रहा है। चलो भाई से बात करते हैं, ये क्या कर रहा है भाई, फ़ोटो खींचने में लग रहा है, परमिशन लेनी पड़ेगी भाई से बात करने के लिए। तो भाई इस टकले का नाम है मैथ्यूज, और ये बंदा मेरे से बोल रहा है कि जिस गाड़ी के बारे में तुम बात कर रहे हो ना वो ये वाली गाड़ी है, ये है बुकाटी और ये 2022 का नया मॉडल है, और ये सिर्फ और सिर्फ दो बनी है अभी फ़िलहाल के लिए, एक इसके पास है और एक लिबर्टी सिटी में एक बड़ा माफिया है उसके पास है। यही वो गाड़ी है भाई, इसी गाड़ी के बारे में वो बंदा बात कर रहा था जो हमारे शोरूम में था, और वो बोल रहा था कि अगर मैं इस गाड़ी को लेकर के आ जाता हूँ तो वो अंधा पैसा देगा, मतलब मुंह मांगी कीमत। मेरा मन तो ऐसा कर रहा कि इस गाड़ी को लेकर के चलते हैं, ये गाड़ी है तो थोड़ी बहुत अलग। फिलहाल भाई मेरे पास भी थी ऐसी बुकाटी, नहीं ऐसी नहीं थी, ये तो पूरी अलग लग रही है। चलो वैसे बात करते हैं कि ये सेल करेगा नहीं करेगा, हमारे पास पैसा है यार। तो भाई ये टकला मेरे से बोल रहा है कि ये जो गाड़ी है ना ये बिकाऊ नहीं है, और ये बोल रहा है कि सेल करने की तो दूर की बात है, तू इसमें बैठ भी नहीं सकता भाई। अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, कुछ ज़्यादा ही अकड़ रहा है ये बंदा। मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो ना इसकी ऐसी तैसी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को अभी पता नहीं है कि ये कौन है, कितने इसके सिक्योरिटी यहाँ पर है, सिक्योरिटी तो मेरे आंखों के सामने है। लेकिन यार ऐसा ना सीन हो जाए कि यार यहाँ पर जो ना मैं किसी बड़ी ही गैंग से पंगा ले बैठूँ। अभी वैसे भी अपने पास काफ़ी सारा पैसा है तो मैं ये छोड़ता हूँ ये रिस्क लेना। बाकी चलो छोड़ो, हम लालच कर रहे थे भाई फालतू में। मैं सोच रहा था कि अगर मैं इस गाड़ी को उस बंदे को दे दूँगा तो हमारे पास और पैसा आ जाएगा। यार लालच बुरी भला है भाई, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। चलो गाड़ी को लेकर के सीधा निकलते हैं अभी लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। यार देखो तो सही, खुद की प्राइवेट यॉच भी है और कहाँ पर रह रहा है। चलो कोई नहीं, एक ना एक दिन मैं वापस आऊँगा इसके पास। और ओके भाई लोग, गाड़ी को भगाते भगाते मैं पहुँच चुका हूँ सीधा लॉस सैंटोस में। लेकिन गाइस मेरे को जो ना दो बंदों पर शक हो रहा है, पीछे की तरफ कुछ जो है ना बाइक लेकर ही बंदे आ रहे थे, और मेरे को ऐसे लग रहा है कि वो जो ना मेरा पीछा कर रहे हैं पता नहीं क्यों। फिलहाल के लिए यहाँ पर छाँव में रोकते हैं अपनी गाड़ी को, हाईवे यहाँ पर रोक नहीं सकते, अलाउड नहीं है। लेकिन वो देखो वो पीछे की तरफ जो बंदे आ रहे हैं, ये देखो ये वाले, ये क्या सीन है भाई, इसने तो लाके ठोक दिए भाई।
बेटा चुप, निकलो निकलो निकलो, नेता बना कर रख दूँ यार, ये बलास गैंग के बंदे हैं। मैं उतर के इनको मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता, फालतू मेरे से पिट विट जाएंगे। चलो भाई मैं अपने रास्ते पे निकलता हूँ लेस्टर के पास। यार ये पीछे तो नहीं कर रहे दोबारा से? यार ये पीछा क्यों कर रहे हैं भाई, पिटोगे क्या? आ जाओ इधर आ जाओ, पहले एक सेकंड रुक जाओ, आने दो आने दो, इधर 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 इधर, तुम्हारे नेता बनाता हूँ मैं, पीछा क्यों कर रहे हो भाई? अबे हलवा वलवा समझ रखा है क्या? इसकी ऐसी तैसी मारूँ टकले तेरी, चल तेरी भैंस की आँख भाई साहब, बैठे बैठे भाई मैंने मार दिया। अबे निकल मैं यहाँ से कहीं के। तो भाई साहब इन लोगों की दादागिरी तो देखो भाई साहब, बीच रास्ते में यार ये जो लोग हैं ये मेरे से रुकवा के ये पूछ रहे हैं कि तेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, तूने क्या करा है, कहाँ चोरी करी है? भाई साहब ये लोग क्यों पूछ रहे हैं भाई मेरे से? ये बलास गैंग के छोटे मोटे ये चूहे कहीं के बंदे, बेटा मरोगे क्या मेरे हाथ से? इसको देखो भाई सब, चल तेरी भैंस के सब मरोगे भाई, और आ जा तू भी आ जा, लड़ ले लड़ ले लड़ ले भाई सब, सब मरोगे भाई सब के सब। ओ तेरी एस्तसी, बेटा सर जो ना फाड़ के रख दूँ, हाँ फालतू बदमाश बन रहे हो, चुपचाप। अब पहले मेरे को ये बता दो कि तुमको भेजा किसने, क्योंकि यार इनके बस की तो है नहीं ऐसा पूछना कि कहाँ पर मैंने चोरी करी है, और इनको पता कैसे चला यार यहाँ पर मैंने इतनी बड़ी रॉबरी करी है, इनको यार जरूर किसी ना किसी का हाथ है। तू बता बेटा चुपचाप, नहीं तो जो ना इतने घूसे मारू हाँ, ले बेटा एक घूसा, बंदा बेहोश हो चुका है, इनमें से किसी को उठा कर पूछना पड़ेगा। तो भाई ये जो नमूना है ना, ये बलास गैंग का चूहा, ये मेरे से बोल रहा है कि इनको फ्रैंकलिन ने भेजा है। मेरे को लग ही रहा था यार कि ऐसा सीन होने वाला है। चल 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 निकल निकल निकल, चल तेरी ऐसी बेटा, मेरे से निकलोगे इतने बड़े हो गए, निकलो अबे निकलो, गाड़ी को भगाओ जल्दी से। यार ये फ्रैंकलिन नमूना मेरे से मरेगा बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। यार इसने भाई बंदे मेरे पीछे लगवा रखे हैं, यार इसको पता कैसे चला कि यहाँ पर मैं चोरी वोरी करी है, कुछ ना कुछ तो सीन है। चलो गाड़ी को लेकर के चलते हैं सीधा भी फ्रैंकलिन की लोकेशन पर। और हाँ गाइज, यहाँ पर जो ना मैंने इन बलास गैंग के चूहों से पूछ लिया था कि अभी फ्रैंकलिन कहाँ पर है, चलो चलते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद यार सीधी सी बात है, मैं उससे बात भी तो नहीं कर सकता ना डायरेक्ट, वो भाई प्रेसिडेंट है, हमको यार सीधी सी बात है प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाना पड़ेगा फ्रैंकलिन को, क्योंकि वो जो ना कुछ ज़्यादा ही दादागिरी दिखा रहा है आजकल। एक बार वो हट जाएगा ना, तब तो भाई सब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, वो कुछ ज़्यादा ही जो ना उड़ने लगा यार बतख की तरह। चलो चलते हैं एक बार तब भी उसी की बताई हुई जगह पर। तो गाइस यहाँ पर गाड़ी को लेकर के मैं आ चुका हूँ सीधा अभी उसी बलास की बताई हुई जगह पर। और वो बंदा मेरे को जो ना यही लोकेशन बता रहा था, उसने बोला था कि तुमको जो ना रास्ते में एक टूटी हुई बस दिख जाएगी। ओ ओ एक सेकेंड, गाड़ी का दरवाज़ा मैं जो है ना यहाँ पर लगा देता हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि यहाँ के जो लोग हैं वो चोरी वोरी ना करके ले जाएं। बाकी बस तो टूटी हुई ये पड़ी सामने की तरफ, और वो बंदा बोल रहा था कि जहाँ पर बस तुमको दिखती है टूटी हुई उसके राइट हैंड साइड पर जाना। तो राइट की तरफ तो यही है, और ये पूरा जंगल है। यहाँ पर फ्रैंकलिन क्या करने के लिए आ रखा है भाई, कहीं गलत वाला जगह तो नहीं बता देना उसी बंदे ने? मेरे को तो ऐसे लग रहा है यार, यार वो मर तो गया है, मैंने उसमें गोली बजा दी है उस बलास में, और उसने मेरे को गलत जगह बता दी। चलो छोड़ो फिलहाल के लिए, आगे की तरफ चल के देख ही लेते हैं। यार चल के रहा है एक सेकेंड, ओ भाई साहब ये बिल्डिंग यहाँ पर क्या कर रही है भाई? और आगे की तरफ मेरे को दो कोई बंदे दिख रहे हैं, वो तो मैं देखूँगा। और ये बिल्डिंग कब के मारे कब आ गए यार यहाँ पर? यहाँ पर तो गाइज मुझे लग रहा है किसी चीज़ का काम चल रहा है, और ये सारा इल्लीगल है। एक सेकंड, नीचे की तरफ दो बंदे हैं, मेरे को देखना पड़ेगा कि ये लोग कौन है भाई। ये तो भाई साहब टकला फ्रैंकलिन है, और साथ में एक ये क्या भाई, ये झोला वाले बाबा लग रहे हैं भाई मेरे को, इसके ऐसी तैसी, ये क्या करने के लिए आया भाई यहाँ पर? और भाई नीचे की तरफ तो बंदे बंदे मरे पड़े हैं, कुछ ना कुछ तो सीन है, ये अपना बातें करने में लग रहे हैं। और मेरे को ये हैरानी हो रही है कि ये चीज़ क्या है भाई, यहाँ बिल्डिंग कब के मारे कब बन गई? और ये देखो भाई यहाँ हेलीकॉप्टर भी क्रैश पड़ा हुआ है, ज़रूर से यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सीन हुआ होगा, फाइट वाइट हुई यहाँ पर काफ़ी तगड़ी वाली, लोगों को मारा भी जा रहा है। ये फ्रैंकलिन क्या कर रहा भाई पीठ पीछे हमारे? यहाँ से नीचे की तरफ अगर मैं पैर वैर फिसला ना तो सीधी सी बात है आत्मा बाहर आ जाएगी। यार मेरे को घबराहट हो रही है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ से, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। और वो दोनों के दोनों नमूने क्या बात कर रहे हैं, मेरे को वो बात सुननी है, और पता नहीं क्या सीन है। एक सेकंड, मेरे को लग रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर जो है ना फ्रैंकलिन की मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, क्योंकि ये जो काम है ना ये जो फ्रैंकलिन कर रहा है, एक सेकंड यार मेरे को फ़ोटो लेनी है, फ़ोटो तो मैं बाद में ले लूँगा, लेकिन ये फ्रैंकलिन कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा भाई कुछ भी। और कहीं ना कहीं तो ये जा रहा है, और मुझे तो लग रहा है, एक सेकंड, सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसकी एक फ़ोटो ले ली है, चलो अच्छी बात हो चुकी है, इसको जल्द जल्दी अपने फ़ोन में सेव कर लेता हूँ। और गाइस वो देखो अभी जो है ना मैं दिखाता हूँ, ये जो फ्रैंकलिन नमूना है
ये अपना आई थिंक इतने सारे जीनों को चढ़ के ऊपर जा रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा इसका क्या प्लान है, क्या करना चाह रहा है ये भाई। प्रेसिडेंट हो करके जो ना ये बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहा है। इसको भाई सब लॉस एंडोस की रक्षा करनी चाहिए, देख रेख करनी चाहिए। लेकिन ये देखो, टेरी फ्रैंकलिन मैंने फ़ोटो तो ले ली है, अब ये जो कारनामे है ना ये मैं मिलिट्री कर्नल को दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले नीचे की तरफ चलना पड़ेगा भाई, इतनी ऊंची हाइट अबे पॉसिबल ही नहीं है। ओ नहीं, नहीं, नहीं भाई बच गया। अभी नीचे की तरफ गिरता तो मेरी यहाँ पर हड्डियाँ टूट जाती हैं। और एक सेकेंड, यहाँ पर भी आराम से जाने के लिए रास्ता दे रखा है, आराम से चलते हैं भाई, मैं इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा हूँ। चलो चलो चलो, यहाँ पर मैं आगे की तरफ आ चुका हूँ और आई थिंक यहाँ से मैं जंप भी कर सकता हूँ, इतनी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। चलो भाई, आई थिंक जो फ्रैंकलिन है वो भी भाग चुका है। मेरे को ये देखना है कि ये जगह है क्या। ये देखो मतलब लोग जो ना कटे मरे पड़े हैं और आधों की तो भाई हड्डियाँ भी बाहर आ चुकी हैं। ओ भाई बहुत ज़्यादा बुरी हालत करी है भाई, कोई भी है यार ये। और वो देखो मतलब यार ये क्या सीन कर रखा है भाई, उल्टा लटका के मारा हुआ है लोगों को। ये फ्रैंकलिन क्या करना चाह रहा है भाई साहब, यार ये क्या चीज़ है भाई, पूरा स्केलेटन है यार। एक सेकेंड गाइस, मेरे पास एक आइडिया आया है। सबसे पहले थोड़ा दूर जाता हूँ और इसकी जो है ना मैं एक फ़ोटो लेने वाला हूँ। यहाँ पर ये सारे कारनामे में जो है ना मिलिट्री कर्नल को दिखाने वाला हूँ। ये जो फ्रैंकलिन नमूना है ये कुछ गलत ही काम कर रहा है। बेटा फ्रैंकलिन, तेरे को जो है ना प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चोट रहा है। ऊपर से यहाँ पर भाई सब गलत ही काम कर रहा है। गाइज यहाँ पर काफ़ी सारे फोटोज़ लेने पड़ेंगे और इसका भी गाइज यहाँ पर मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। चलो गाइज, यहाँ पर काफ़ी सारे मासूम लोग मारे गए हैं। अब मेरे को नहीं पता कि इन लोगों ने क्या गलती करी है, इनके क्या ही गुनाह थे। लेकिन बेटा फ्रैंकलिन तू नहीं बचने वाला। अभी गाइज यहाँ पर जो मेरे को ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा, और ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए मेरे को भाई ये जीने दे रखे। नहीं नहीं जीने नहीं, यहाँ से भी लो। चलो ये रहा ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर चलते हैं और गाड़ी को उठाते हैं, फिर मैं जाने वाला हूँ सीधा मिलिट्री कर्नल के घर पर। यार फ्रैंकलिन तेरे से ये उम्मीद मेरे को बिल्कुल भी नहीं थी। और भाई पूरा टेम्पल इसने बना रखा है, ये क्या सीन है भाई। आराम से भाई, यहाँ कोई रहता ही नहीं रहता, यहाँ पर तो पूरी बिल्डिंग है। इसके अंदर भी चल के देख लेते हैं ये क्या सीन है, कोई है नहीं यार इसके अंदर। मुझे यहाँ पर ही बंदे मरे पड़े हैं, मुझे तो लग रहा है यहाँ पर जो फ्रैंकलिन है इसने अटैक करा इलीगल तरीके से। मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा भाई, छोड़ो यार मैं अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता। यहाँ पर पीछे की तरफ रास्ता दे रखा जाने के लिए, वहाँ से चलते हैं। ओ ये रहा ये रहा ये रहा, यार मैं कहाँ फंस गया गलती से। ये एक सेकेंड, चलो भाई ये रहा, आराम से जंप लगाता हूँ एक। चलो भाई ऊपर की तरफ निकलते हैं, अपना रास्ता क्लियर है। भागते भागते मैं काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ और अपनी जो गाड़ी है वो यहीं कहीं होने वाली है। लो भाई अपनी गाड़ी हमको दिख चुकी है। चलो भाई सबसे पहले भाई मेरे को यही काम करना है। ये जो फ्रैंकलिन ये सोच रहा था कि भाई साहब इसके जगह के बारे में कोई पता नहीं लगा पाएगा, लेकिन बेटा कारनामे तू ऐसे कर रहा है, तेरे को तो रंगे हाथ पकड़ने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर इसको हटाने के लिए जो ना प्रेसिडेंट की पोस्ट से इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लॉस एंडोस की जनता है ना वो फ्रैंकलिन पर इतनी ज़्यादा भरोसा करने लगी है। मतलब यार लोग इसके खिलाफ बोलेंगे ही नहीं यार अगर हम बुलवाएंगे तो। हाँ पैसे ले दे के थोड़े बहुत बंदे हो सकते हैं, जैसे बलास गैंग हो गई, लॉस्ट गैंग हो गई, ये तो हो सकती है, लेकिन कितने ही बंदों को पैसे खिलाएंगे यार इसके अपोजिट बोलने के लिए, इसके अगेंस्ट बोलने के लिए। चलो वो तो गाइस कर्नल का देखते हैं, जो ही कर्नल बोलेंगे ना। भाई एक बात तो है, ये जो गाड़ी है ना ये भाई पूरी लैम्बो सियान की तरह लगती है। और लो मैं कर्नल के घर पर आ चुका हूँ, गाड़ी को साइड में लगा देता हूँ और ऐसा करता हूँ गैरेज के अंदर ही लगाता हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई ये गाड़ी तो कर्नल की, ये गाड़ी कर्नल की तो नहीं है ना। बाकी चलो अंदर की तरफ निकलते हैं। सिक्योरिटी देखो भाई कितनी ज़्यादा टाइट है भाई यहाँ पर। सीधी सी बात है कर्नल का घर है और भाई गाड़ी अभी एडवांस टाइप की आ रखी है। और सर क्या हाल चाल है, ड्यूटी सही तो कर रहे हो ना, आराम से कर दे रहे हो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। चलो आ चुका हूँ सीधा घर के अंदर। बाकी गाइस पीछे की तरफ जाके दिखाता हूँ, कर्नल ने भाई पूरा घर इतना बढ़िया बना रखा है ना। पीछे की तरफ नहाने का भी सीन है, मैं आराम से नहा करके जाऊँगा यार, अब भाई इतनी गर्मी पड़ रही है। चलो फिलहाल के लिए यहाँ पर कर्नल से बात करते हैं। कर्नल कहाँ पर है यार, और यहाँ पर थोड़े बहुत नौकर चाकर बैठे हुए हैं यहाँ के, जो कि थोड़ा बहुत काम वाम कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। कर्नल कहाँ पर है यार, एक तो भाई साहब ये बंदा भी पता नहीं कहाँ पर है, ऐसे कॉल कर रहा था कॉल नहीं उठा रहा, ये रूम तो पूरा खाली पड़ा हुआ है और पता नहीं कहाँ पर है यार ये बंदा। इसको भी खोल लेते हैं, ये तो भाई पूरा वॉशिंग एरिया है। अबे कर्नल यार मुझे लग रहा है एक बार और कॉल करना पड़ेगा या इन लोगों से पूछना पड़ेगा। भाई एक सेकंड, ये नौकर चाकर लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं,
ये कोई और ही बंदे लग रहे हैं भाई मेरे को। आराम से चलते हैं यार। ये कहाँ बाथरूम है भाई? ये मैं कहाँ घूम रहा हूँ यार बाथरूम बाथरूम में। एक सेकेंड, ये डोर हो रहा है, ये रहा भाई कर्नल, मैं सारे में देख रहा हूँ और कर्नल यहाँ पर है। चलो भाई यहाँ पर से बात करते हैं। और ये मुझे लग रहा है, ये मुझे लग रहा है मिलिट्री बेस जाने के लिए रेडी हो रखा है। चलो यार इससे बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने जितने भी फुटेज थी ना, जो मैंने क्लिक कर दी, वो सारी कर्नल को दिखा दी है। कर्नल ये बोल रहा है कि माइकल, ये जो फ्रैंकलिन है ना, ये जो तेरा दोस्त है, ये बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहा है। लेकिन मैंने बताया था ना यार आपको, इसको हटाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो लॉस सैंटोस की जो जनता है ना, वो भाई फ्रैंकलिन पर कुछ ज़्यादा भरोसा करती है। तो गाइस उनके मन में जो ना फ्रैंकलिन के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ चीज़ें हमको डालनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ तो गाइस यहाँ पर घपला करना पड़ेगा, ताकि ये जो जनता है लॉस सैंटोस की, ये सोचे कि जो फ्रैंकलिन है, ये तो एक तरीके से घपलाबाजी करता है। और गाइस यहाँ पर कर्नल ये बोल रहा है कि माइकल मैं तेरे पास कॉल करूँगा और तब देखते हैं क्या सीन करना है। अभी गाइस ये जो है ना मिलिट्री बेस जा रहा है किसी अर्जेंट काम से। चल बेटा फ्रैंकलिन, तेरे अब दिन जो है ना भर चुके हैं प्रेसिडेंट बनने के। एक सेकेंड, मेरे पास लेसर कॉल आ रही है। चलो भाई यहाँ पर लेसर से बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरी लेसर से बात हो चुकी है। लेसर ये बोल रहा है कि माइकल, जो फ्रैंकलिन है ना, ये भाई कुछ नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहा है। हमको पता ही नहीं चला भाई इसने कब कम में इतना सारा $1 बिलियन ब्लैक मनी कलेक्ट कर लिया। गाइस अभी जो ना वो एक हैंगर के अंदर है और वहाँ पर काफ़ी सारी सिक्योरिटी है। तो यहाँ पर मैंने अंडर वाटर माफिया के पास भी कॉल कर दिया है, यहाँ पर मैंने ट्रैवलर के पास भी कॉल कर दिया है कि यार अब जो है ना इसका घपला पानी जो ये कर रहा है, सब कुछ रेड करने का टाइम आ चुका है। बेटा फ्रैंकलिन तेरे जो दिन है अब ख़त्म हो चुके हैं। गाइस यहाँ पर मैं इसको सही बता रहा हूँ, मत्थे पर गोली मार के सब खेल ख़त्म कर दूंगा। ये अब मुझे लग रहा है ये जीने लायक नहीं है, क्योंकि लॉस सैंटोस की जनता को भाई सब ये पागल बना रहा है और ब्लैक मनी को कलेक्ट कर रखा है, वो भी छोटा मोटा नहीं, काफ़ी ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर। और ये तो रही बात, और साथ के साथ गाइस इसके पास वो चरस गांजा भी मिला है, लेसर बता रहा है। चलो उसी अभी हैंगर में निकलते हैं। पहले मैं ट्रैवर को उठाऊँ और लेसर ये बोल रहा था कि माइकल मेरी गाड़ी लेकर मत जाइयो। तो चलो लेसर की जो गाड़ी है वो लेसर के घर पर ड्रॉप करेंगे और सीधा अभी मैं निकल रहा हूँ हैंगर पर ट्रैवर के साथ में। ओके भाई लोग यहाँ पर मैं आ चुका हूँ सीधा हैंगर में, और यहाँ पर इतना बड़ा प्लेन, और भाई साहब यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक भी हो चुका है। तुम्हारी ऐसा थी यार, फ्रैंकलिन ने अपनी सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री वाले बंदों को तैनात कर रखा है, ये तो गलत बात है यार। यहाँ पर मैं इनको मार भी तो नहीं सकता, लेकिन अब मैं मारूंगा। हाँ मेरे को पता है यार, यहाँ पर कर्नल अपना अच्छा दोस्त है, लेकिन यार हमको उनको मारना पड़ेगा। चल तुम्हारी भैंस की आंख, इतना बड़ा एयरप्लेन। बेटा फ्रैंकलिन तू तो कुछ अलग ही काम कर रहा है, ट्रैवर बजा कर रख दे। गाइस यहाँ पर मैं ट्रैवर के गांव में गया था और ट्रैवर को उठा करके ले करके आया हूँ, क्योंकि ये जो बंदा ना ये तो नशे में चूर पड़ा हुआ था। भाई साहब ट्रैवर तू भी एक नंबर का औंधा ही दिमाग का है, बेटा तू निकल सबसे पहले। भाई साहब हवा में इस बंदे को हमने उड़ा दिया है, और कहाँ पर है, दूर दूर तक गाइस काफ़ी सारे मिलिट्री वाले बंदे छुप करके बैठे हुए हैं। गाइस यार यहाँ पर इतने ज़्यादा बंदे हैं भाई, सबसे पहले गाइस यहाँ पर जो ना पैसा लूटता हूँ। ये पैसा नहीं है भाई, ये तो चरस है यार। चलो गाइस जो भी मिल रहा है उसको बैग में भर करके गाइस गाड़ी में लोड करते हैं। जितना भी बैग भरेंगे ना गाइस, सारा का सारा कर्नल को दिखाना पड़ेगा कि भाई ये रहा फ्रैंकलिन, ये काम कर रहा है। और भाई अब तो हमको जो ना फ्रैंकलिन के अड्डे के बारे में पता चल चुका है, बेटा तू मरने वाला है। गाइस ये जो अड्डा है ना, इसके बारे में पूरी पब्लिक को बताएंगे, हर एक न्यूज़ में ये खबर चलने वाली है। और भाई सब तब जो फ्रैंकलिन प्रेसिडेंट है, ये भाई सब इसकी ऐसे इसकी खटिया खड़ी होने वाली है। मेरे को अपनी स्नाइपर निकालनी पड़ेगी, लेकिन बंदा काफ़ी दूर था, एक ईरा। चल तेरी ऐसे जी, भाई सब सही बता रहा हूँ, सबके पैर टूटने वाले हैं। बेटा आज जो है ना गोली खाओ मेरी SMG की, नहीं SMG नहीं, AR की गोली खाओ आज। रोज़ तो भाई साहब तुम जो ना पिस्टल की गोली खाते हो। ऊपर की तरफ काफ़ी सारे बंदे छुप छुप कर बैठे हुए हैं यार, ये प्लेन इतना बड़ा है ना, बस मैं क्या ही बताऊं। और गाइस ये बंदा तो मर चुका है यार, मैं क्या आप देख रहा हूँ। सबसे पहले आगे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर इतना ज़्यादा गोल्ड है। ट्रैवर अगर तू हो सकता है ना तो तू भी थोड़ा बहुत कलेक्ट कर ले। और गाइस अभी मैंने अंडर वाटर माफिया के पास भी कॉल करा था, वो भाई साहब कॉल ही नहीं उठा रहा है। अब इसका भी अलग ही सीन है, पता नहीं क्या कर रहा है। चलो बीच में अभी मैं कॉल करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे हैं, हमसे भाई बिल्कुल भी संभाले नहीं जा रहे हैं। और चलो आगे की तरफ निकलते हैं, और भी बंदे हैं क्या बाकी? आ जा जा ट्रैवर, थोड़ा आगे की तरफ आ जा, इनको मजा चखाते हैं। बाकी वो रहा एक बंदा, चल तेरी ऐसे। और ऊपर की तरफ भी है, अगर मैं ऊपर चला गया ना, मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेनर बोल रहा हूँ, पूरा हैंगर को मैं ब्लास्ट कर दूँगा। लेकिन यहाँ पर इतना सारा ब्लैक मनी है, मैं सोच रहा हूँ गाइस थोड़ा बहुत जो ब्लैक मनी है ना उसको हम भी ले लेते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब जो फ्रैंकलिन ने इतना सारा लिया है तो चोरी करने में कोई बुराई नहीं है यार, बाकी हमारा तो वाइट मनी हो जाएगा लेकिन फ्रैंकलिन पकड़ा जाएगा।
ट्रैवर बजा कर रख दे यार, ट्रैवर सूट कर रख दे, हर किसी में गन को भर दे बस पेट के अंदर, चल तेरी एस्टेसी। ये बंदा भी फाइनली जा चुका है। और गाइस यहाँ पर अंडर वाटर माफिया भी आ चुका, क्योंकि भाई मैंने अभी कुछ देर पहले कॉल कर ही दी थी, अंडर वाटर माफिया बजा कर रख दे। और दूसरा एक बंदा भी आया जो कि अंडर वाटर माफिया का मुझे लग रहा दोस्त है। चलो आराम से इसको बैग के अंदर भरते हैं आराम से, काफ़ी ज़्यादा तेजी में। ये देखो भाई काफ़ी ज़्यादा पैसा हमारे पास हो चुका है, और यहाँ से भी कम से कम हम, चलो भाई यहाँ पर जो है ना कम से कम हम जो है ना $1 बिलियन लूट करके लेकर के जाने वाले हैं सीधा अपने घर पर। और भाई अब तो पैसे ही पैसे होने वाला है। चलो 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 जल्दी जल्दी में भरो यार। और हाँ अबे अंडर वाटर माफी तू संभाल ले भाई, इतने भाई मेरे को गोलियां पड़ रही हैं यार। वो तो अच्छे हुआ कि गाइस यहाँ पे जो ना मैं बुलेट प्रूफ आर्मर वार्मर सब कुछ डाल के आया था। लेकिन एक सेकंड, ट्रैवर तो अपना बजाने में लग रहा है यार। ये अंडर वाटर माफी को मैंने जो ना फालतू में कॉल करी है यार, मैं सोच रहा हूँ इनको ना मारूं, क्योंकि वैसे ही फालतू में कर्नल की सिक्योरिटी है, और ये फ्रैंकलिन है, ये फालतू में भाई सब इनका फायदा उठा रहा है यार। इसको पता था फ्रैंकलिन को कि ऐसा कुछ सीन हो सकता है, मेरे को पता नहीं आ रहा अभी। चलो इससे पहले कि भाई फ्रैंकलिन को कुछ भी भनक लगे ना इस बारे में, मैं निकलने वाला हूँ भाई यहाँ से। और फ्रैंकलिन मुझे पता है यहाँ पर आएगा भी नहीं, क्योंकि वो उसकी जो है ना हालत ख़राब हो जाती है, फट्टू है भाई वो एक नंबर का। हाँ वो अपनी सिक्योरिटी को मेरे पास भेज सकता है। यहाँ पर गोल्ड पड़ा हुआ भाई, चलो भाई यहाँ पर गोल्ड भी जल्द से उठा लेते हैं, काफ़ी सारा गोल्ड गाइस हमारे हाथ लग चुका है। मन तो ऐसा कर रहा है यहाँ पर जितना भी गोल्ड और डायमंड है सबको उठा करके ले करके चलूँ, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, यहाँ पर और मिलिट्री वाले बंदे आने वाले होंगे। चलो ये जो बड़ा सा प्लेन है ना, ये पता नहीं क्या ही चीज़ है, इसके अंदर बैठते हैं। और पता नहीं यार टाइम भी कितना हो चुका है, हम कब के आए थे यार, और कब से लड़ने में लग रहे हैं। चलो भाई यहाँ से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, और फाइनली मैंने यहाँ पर बाहर की तरफ टेक ऑफ कर दिया है। और गाइस ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन नहीं है, ये एक जेट है। ये पूरे लॉस एंजेलिस में सिर्फ और सिर्फ एक है, जो कि भाई प्रेसिडेंट के पास है, और वो ही मैंने चुरा लिया है। और गाइस ये जो है ना इतना खतरनाक है। अब भाई साहब फ्रैंकलिन के पास ये कहाँ से आया, उसने कब कब में बिल्ड करवा लिया, मेरे को कुछ भी नहीं पता है। और हाँ गाइस आप लोग मेरे को बताना कि फ्रैंकलिन को हम कैसे ही प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा सकते हैं, क्योंकि अब जो है ना ये हमारा फायदा उठा रहा है, और नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो किसको बनना चाहिए। तो अच्छा लोग आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगे तरह चैनल पर नहीं हो तो सबसे लेना, मैं मिलता हूँ उसके अगली वीडियो में, तब के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस मैं से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर से ऑनलाइन रहता हूँ। और हाँ मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down.